सो फिर से हम जा रहे हैं कुछ भी यार। इस बार लेट से आएंगे और राहुल ट्रेन से आ रहा है फ्रॉम फ्रॉम सालाघाटी टू न्यू कुछ भी यार। आगे इतना लगभग राहुल आ चुके हैं सालाघाटी से। मैं एक्चुअली भूल गया था कहाँ से राहुल बिलोंग करता है। अनफॉर्चुनेटली मिगंगो फिर से आ चुके हैं, लास्ट ईयर वो नहीं थे। पिछली जन आगे बच्चों ठीक है सही था। तो परीक्षित ने बोला है कि व्लॉग स्टार्ट करने को, तो अभी हम जस्ट जुड़ाई क्रॉस कर रहे हैं। सब लोगों को जगह मिल चुका है बैठने का, देख सकते हैं बहुत कंफर्टेबली हमारा जर्नी चल रहा है। कुछ भी है स्टेशन एट 9:59 AM। अभी हम डोसा खाने जा रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। अगर आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं तो पता चल गया होगा कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। और Job, Jamie, I'll go with you first. I think it's incredibly easy. I think you can court all that nonsense. Basically now अभी हम राजबाड़ी जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी राजबाड़ी विजिट नहीं किया। परीक्षित का मामा का घर है, राहुल का भी है, लेकिन मैंने अभी तक राजबाड़ी विजिट नहीं किया है और मृगंगो ने भी नहीं किया है। तो फर्स्ट हम राजबाड़ी जाएंगे, फिर सोचेंगे ना, सोचेंगे क्या करना। अभी अच्छा वातावरण राजबाड़ी की, राजबाड़ी राजबाड़ी डायरेक्ट राजबाड़ी सामने नामबो, राजबाड़ी नमाय दिबे, एटाई नमाय दिबे। सो अभी हम राजबाड़ी में आए। वेयर आर द टिकट काउंटर? मानस आप पहले विजिट करेंगे किधर? यस, पर बचपन में, अभी याद भी नहीं है। नवरुण नहीं, नहीं विजिट किया है कि नहीं आपने? इनका तो मामा घर ही है, तो इनका भी मामा घर है। Yes. And, कोलिता ने नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। सो हो गया आपका राजबाड़ी देखना? Yes, then quite. एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था एक्सपीरियंस। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, तो कुछ नहीं पूछूंगा। पहले आ चुका हूँ बहुत बार। Yes, yes. मैं राजा के जमाने में भी आ चुका था, जब राजा थे तब आया था मैं। नौवे ने फोटो खींचा है, फॉर्मेशन देख लिया था हमने। नाइस डॉक्टर स्ट्रेट। सो नाउ नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सुजीत मुखर्जी फिल्म टेक्का स्टारिंग आवर ओन किलियन मर्फी देव। कहाँ जा रहे हैं हम अभी? केएफसी। हम फिर से आ चुके हैं, लास्ट टाइम हम देखे थे दशम अवतार, अभी हम देखने जा रहे हैं टिक्का। वही लिफ्ट, वही परीक्षित, वही जगह, वही सुजीत मुखर्जी। बिकॉज दादा की देख रहा था। अच्छा सुनिए, आप लोगों का ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ टिक्का, मानस कैसा लगा आपको? बिलो एवरेज मूवी, पुअरली एग्जीक्यूटेड आई कैन से। और नवे गणपत, नवे 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 कैसा लगा आपको? काफी बिलो एवरेज था, वेरी वेरी प्रिटेंशियस, लेकिन लास्ट 15 मिनट में थोड़ा मजा आता है, लेकिन इट इज नॉट एबल टू सेव द फिल्म। तो फिल्म काफी खराब लगा मुझे। बिलो एवरेज। नवे फिल्म कंपनी एंड लाइट अब निगंगो एमडी तो अच्छा था, बाकी तो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ओके सर, सर राहुल सर, हाउ द फिल्म सर? Only good thing about this movie is that it ended.
बोल बोल। I just want to say one thing. If you want to watch the review of Tekka, then you can watch this vlog. क्योंकि अरित्र बैनर्जी ने vlog नहीं छोड़ा है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो हम अभी आ चुके हैं राजन चौपती और दिस इज द प्लेस, राहुल का मामा घर है इधर। फील्स लाइक होम एब्सोल्युटली। और सुनने में आया है कि इस पूजा को बेस्ट पूजा अवार्ड मिल रहा है, जस्ट अनाउंस हुआ, तो जाके हम देखते हैं कैसा है। ऐसे ही खोल दिए फ्रंट कैमरा। ठीक है मनोज, कौन टन ली देखा था एक बार। राजन चौपती पे है और यहाँ का बेसिकली थीम है बर्ड कंजर्वेशन, वो रोबोट 2 का थीम है बेसिकली। लेकिन इसको बहुत बक्षी राजन और हाईजी यूज कर रहे हैं। देयर इज नो अक्षय कुमार स्पेशल अपीयरेंस इन दिस बंडल, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है, सबको मतलब अवार्ड भी मिला है शायद। देख सकते हैं मानस का स्टार्ट हो गया है, मानस इज डेब्यूइंग, ग्रैंड अनबॉक्सिंग। क्या है ये, कुल्फी है ना? दोनों लोग कुल्फी खा रहे हैं, मानस का फर्स्ट ऑफ मेनी आई होप। नाट्य शंगो क्लब में है और आप पीछे भीड़ देख ही सकते हैं, हम रुके हुए लास्ट कुछ मिनट से, अभी स्टार्ट हुआ है फिर से जा रहे हैं। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा सबको नींद आ रही है, सो वी आर हैविंग दिस। गनी मेरी जान, तो हम गोट पूजा सुभाषपल्ली में आ चुके हैं और मेरे पीछे आप भीड़ देख ही सकते हैं और आगे का मैं दिखाऊंगा तो आप डर जाएंगे। तो माना जाता है कि हमारा सुभाषपल्ली जो है इसका एब्सोल्यूट एंटोनिम है, ये अपोजिट एकदम। यस, समझ लो, अभी जिसको समझना है समझ लो, टोटली अपोजिट। अभी हम आए हुए हैं अरसलान बिरयानी में,
10:10 है, फाइनली थोड़ा बैठे हैं बिरयानी खाने के लिए अरसलान में, उसके बाद कुछ पूजा देखा जाएगा, फिर हम स्टेशन चलेंगे। द फेमस सम्राट रेस्टोरेंट फॉर स्वीट्स। अभी हम है पाटाकुरा क्लब जहाँ पे 50 इयर्स है, मोस्ट प्रोबेबली आवर लास्ट पूजा। देवी बाड़ी देख चुके हैं और सब लोग बहुत टायर्ड है, 11:30 बज चुका है ना, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। बाद में डिटेल्ड होगा इसका एनालिसिस जब स्टेशन पहुँचेंगे। नाउ वी आर विजिटिंग पाटाकुरा एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया इन लोगों ने भी, हर चीज़ ही अच्छा ही लगता है जब कोकराझार से वहाँ। सो रात के 3 बजे है, हमने टिकट काट लिया, 3:20 को ट्रेन है और वी आर एंडिंग दिस व्लॉग। इस बार थोड़ा शांति से घूम पाए, परीक्षित देवी बारी देख के आया, ही इज वेल सेटिस्फाइड एंड वी आर ऑल काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। ओके गाइस बाय। अगर व्लॉग पब्लिश हुआ तो इसके लिए बाय, अगर हुआ तो बाय 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 बाय। हमारा एक दोस्त मतलब मिल नहीं रहा है, वो कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत बुरा लग रहा है हमारे, बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं, हमारे साथ पहली बार आया था लेकिन अभी पता नहीं गुम हो गया है, तो फोन भी नहीं लग रहा है उसका, तो वी विश हिम वेल। अगर आप लोग को दिखे तो बता देना, बोल देना आप लोग, ठीक है। थोड़ा एक्टर जैसा दिखता है, सो लेट्स एंजॉय द पूजा एंड होप विश हिम वेल। जैसे आप देख सकते हैं पूरा बारिश में हालत ख़राब हो चुका है। प्रिडिक्शन था पहले से रेन का, लेकिन अष्टमी तक नहीं था, अच्छा ही था वेदर। लोगों को नज़र लग गई, ज़्यादा बोल रहे थे कि हाँ रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगा अभी दो। और बाकी हमारे साथ भी है राहुल, अभी अभी बहुत अच्छे काम करके आए, एक इंसान को वो गिर गए थे एक्चुअली, उनको उठा दिया। मैं सोनू सूद फॉर रियल, आई एम नॉट ए मसीहा, मैं थोड़ा मैं फोटोग्राफी करके उधर पॉइंट करने तक हो गया था, अभी हम जाते हैं। इनकम्प्लीट होता है परिचित के बिना, हमारे साथ नहीं निकल पाए, लेकिन हो गया मुलाकात, हो गया स्मॉल वर्ल्ड। बिल्कुल कवर हो चुका है नवमी का गाइस, ये दशमी है आज एक्चुअली, तो इसीलिए एक्चुअली दशमी है। गॉड्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, माय हार्ट वी आर जो भी है, तो गुड लक, जाओ खाने जाओ। एक ही व्लॉग आएगा अगर आएगा तो, और इसमें ज़्यादातर 60-70% पार्ट आप लोगों का कुछ बियर में ही दिखेगा, क्योंकि इधर हमने शूट नहीं किया, क्योंकि शूट करने लायक कुछ है नहीं। तो आज दशमी है, थोड़ा बहुत दशमी के ग्लिम्सेस आपको दिखाई देंगे व्लॉग में, बाकी कुछ नहीं दिखेगा कोकराझार का, यही है। कैमरा की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं, ऊपर देखते हैं वो लोग और ऊपर से बात करते हैं, कैमरे की तरफ नहीं देखते हैं।